देश के जाने माने वकील और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से नाता तोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा जा रहे हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। माना जा रहा है कि आजम खान के दबाव में अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा के लिए हामी भरी है। अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर न सिर्फ आजम की नाराजगी को दूर करने में कामयाब रहे हैं, बल्कि सिब्बल के जरिए 2024 के लिए बड़ा खेला भी कर दिया है। कैसे, आगे आपको समझाएंगे। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने कपिल सिब्बल की जमकर तारीफ की थी। माना जा रहा है कि आजम खान की रिहाई का तोहफा अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा की सदस्यता देकर दी है। हालांकि ये सब तुरंत हुआ है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजम खान की जेल से रिहाई से पहले ही कपिल सिब्बल ने 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, यानी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। यही वजह राज्यसभा का नामांकन करने के बाद कपिल सिब्बल ने आजम खान अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। इतिहास में कम ही लोग इंडिपेंडेंट बनकर सदन में आते हैं, खासतौर पर राज्यसभा में, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला है और ये अखिलेश जी, शिवपाल जी, आजम खान साहब ने मुझे दिया है और मैं एक इंडिपेंडेंट आवाज़ सदन में उठाना चाहता हूँ। कपिल सिब्बल के बारे में बात करें तो देश के राजनेताओं से जुड़े केसों के साथ साथ अन्य बड़े मुद्दों पर कपिल हमेशा कोर्ट में सक्रिय रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश में पिछले कुछ वक्त में मुस्लिम समाज से जुड़े जो अहम केस रहे हैं उनके साथ भी सिब्बल का जुड़ाव रहा है। जैसे CA NRC तीन तलाक बुलडोजर केस, कर्नाटक का हिजाब मामला। कपिल सिब्बल बड़े नेताओं से जुड़े मामलों को हमेशा देखते रहे हैं। मुसलमानों से जुड़े संगठन और मुसलमानों के बीच सिब्बल की स्वीकारता भी बढ़ी है। कपिल सिब्बल को चुनावी सफलता भी मुस्लिम बहुल इलाकों में ही मिली थी। 2004 और 2009 में लगातार दो बार चांदनी चौक से लोकसभा सांसद बन चुके हैं। पुरानी दिल्ली में मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में है। यूपी की राजनीति के जानकारों की माने तो सिब्बल को समर्थन देकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा खेला है। सिब्बल की मुस्लिम समाज के बीच बड़ी स्वीकार्यता है। बुधवार को लखनऊ में जब सिब्बल ने नामांकन किया तो उस वक्त सपा के मुस्लिम विधायक जोश से भरे थे, वो सिब्बल के साथ सेल्फी लेते दिखे। ये सब देखकर समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। अखिलेश यादव ने अपने इस दांव से ऐसा कनेक्शन स्थापित किया है जिसमें आजम खान, इस्लामिक संगठन और मुस्लिम समाज एक ही कतार में खड़े नजर आ रहे हैं, जो कि 2024 के चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने 80% से ज्यादा वोट सपा को दिया था, जिसे अखिलेश 2024 तक कायम रखना चाहते हैं। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है, आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएँ सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है, तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। नामांकन के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि हम विपक्ष के में रहकर एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं जो 2024 में एक ऐसा माहौल बने जो मोदी सरकार की खामियां जनता तक पहुंचाई जा सके। अब देखना होगा सिब्बल पर अखिलेश का ये पैंतरा क्या सपा के लिए सियासी फायदा पहुंचा पाता है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।